हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। इस सेशन में हम एनसीईआरटी पूरा कवर कर रहे हैं, जनरल साइंस की। पिछले 3-4 सेशंस में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया था। इस सेशन में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, क्योंकि जनरल साइंस का अगर हम एग्जाम का सिलेबस देखें और जो एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीलिम्स के जो है मेनली वो एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं। और हम जब इस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज, तब हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वजह से हम एक्टिव लर्निंग का यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे, देखेंगे कि हमें कितना आता है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन के PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पिछले सेशन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर यहाँ पर अगर हम देखें तो पूनम ने दिया है और रोहित कह रहे हैं आंसर फ्रॉग्स है, विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। जहां पर पूछा गया था कि एम्फीबियन कौन सा है, सिमरन जी ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आंसर किया है, एम्फीबियंस आर दोज विच सर्वाइव ऑन लैंड एंड वाटर। इनका स्कोर 8 out of 9 है। सल्यूट टू यू सिमरन, आपने बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को लाइव होने के बाद में अपने अटेम्प्ट किया और स्कोर भी अपना शेयर किया। आई वुड वांट कि अदर्स जो भी बाद में भी वीडियो देख रहे हैं अपना स्कोर शेयर करें, ठीक है। तो इस सीरीज में हम एनसीईआरटी कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। क्लास 6 का हम कवर कर चुके हैं, क्लास 7 के एनसीईआरटी दो सेशंस में हम कवर करेंगे, 18 चैप्टर्स से 9 चैप्टर्स, राइट। इसी तरीके से हम 12th तक ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी कवर करें। और इसी में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, थम्स अप चाहूंगा इन द कमेंट सेक्शन जो भी सेशन को देख रहे हैं। और साथ ही मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। यहां पर पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। उसके साथ में इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप देखिए। पहला ऑप्शन है कसकटा, सेकेंड है पिचर प्लांट, थर्ड है वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, फोर्थ है जो कि डी है नन ऑफ द अबव, राइट गाइस। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन आंसर करेगा। अगर आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक थम्स अप बनता है कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई इसको आंसर नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट तो मुझे ही जाएगा। ओके, शिवाली जी आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये कहते हैं पिचर प्लांट। देखते हैं और भी कोई शिवाली को काउंटर करना चाहता है। सबसे पहला आंसर यहाँ पर शिवाली का आया है, दिनेश का आंसर ए है। और भी कोई इसको काउंटर करना चाहता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरासाइट कौन सा है। यहाँ पर पैरासाइट होता क्या है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर कंप्लीटली डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। कविता का आंसर आ गया है ए, रियली गुड। तो सही आंसर सबसे पहले दिनेश ने दिया है। शिवाली आपका आंसर जो है एग्जैक्टली सही नहीं है। यहाँ पर पैरासाइट जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है टोटली अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम कहते हैं कसकटा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन्हें कहा जाता है, जो इंसेक्ट्स को उनके जो जूसेस उनको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन पाते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो इस तरीके से दिखता है। और यहां पर सही आंसर दिया है दिनेश ने, रियली गुड अंकल। महिंदर आपका भी आंसर सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चन को आंसर करना है। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लास 7th के एनसीईआरटी में अच्छे से 2-3 जगह ये कवर किया गया है। क्या है ये टॉपिक? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, और यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दीज आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कई बार आप अपने एग्जाम में देखोगे और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी HPAS के प्रीलिम्स में पूछा गया था। क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं देखते हैं। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है, क्या ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम थ्रू द प्लांट्स, कैप्चर ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है इसे।
यहाँ आंसर आ गए हैं, रियली करेक्ट दिनेश अमर बेल, सही कह रहे हो आप। सबसे पहले अमित ने आंसर दिया है, अमित काफी अच्छी तरीके से आंसर करते हो आप। लेट्स सी बाकी भी आंसर्स यहाँ पर आ गए हैं। अनुराधा का आंसर डी है, कविता डी कह रहे हैं, अंकुल डी कह रहे हैं, महेंद्र डी कह रहे हैं, रोहित का आंसर डी है, दिनेश डी, राइट। तो आप सभी का आंसर यहाँ पर सही है। फोटोसिंथेसिस आपको एकदम रटा होना चाहिए, सारे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या क्या है इसमें, ये सारे ही प्रोसेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है, सनलाइट यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये सारी चीजें इनटेक होती है इन टू द प्लांट, क्लोरोफिल प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसका बाई प्रोडक्ट रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन, राइट। तो ये सारे हमें पता होना चाहिए और जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आंसर करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। फटाफट से आंसर चाहिए यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, किस में अकर होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ द अबव। देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है यहाँ पर, राइट। अमित का आंसर आ गया, अमित सी कह रहे हैं, अनुराधा सी कह रहे हैं, अमित आप ही पॉइंट जो है इस बार ले जा रहे हो, सही आंसर क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, रियली गुड। अनुराधा का आंसर सही है, शिवाली सही, महेंद्र, दिनेश, अंकुल, रोहित सभी का आंसर सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो आप आराम से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, वो तो हमने प्रीवियस ईयर का देखा, अब एक और टॉपिक जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन, हार्मफुल बैक्टीरिया इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो माउथ में जो लेफ्ट ओवर फूड है उसे जो है ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करते हैं, जिसके वजह से टीथ, गम सभी खराब होते हैं। ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, बेसिस, एसिड्स, गैसेस या सॉल्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, थर्ड क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर यहां पर अमित कर रहे हैं, रियली गुड अमित, आप ही सारे मुझे लगता है आज पॉइंट्स ले जाओगे, देखते हैं। अनुराधा का आंसर बी है, रोहित बी, कविता बी, रियली गुड गाइस, सही आंसर बी, एसिड्स हैं। तो जब एसिड्स रिलीज होते हैं उनके रिलीज होने के वजह से हमारे टूथ जो है खराब होते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, इस एसिड रिलीज के वजह से टीथ जो खराब होते हैं उसके लिए भी एक टर्म है, अगर आपको याद है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और इसी का पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो टीथ जब खराब होते हैं एसिड रिलीज से उसे क्या कहा जाता है, अगर आपको याद है प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। साथ ही फोर्थ क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सेवेंथ एथ नाइन्थ, तो आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, रियली गुड गाइस। फोर्थ क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए, करेक्ट शिवाली, एसिड इज करेक्ट, अंकुल, महेंद्र आपका आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, क्या है क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन टू एंथ्रैक्स डिसीज, ये कहीं कोने में सेवेंथ के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिक, सीमेंट, फाइबर, कंप्यूटर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए, सेवेंथ के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं आप, या फिर एंथ्रैक्स डिसीज के बारे में पता आप आंसर कर पाओगे। फोर्थ के आंसर्स आ गए हैं, लाइक ऑलवेज अमित ने सबसे पहले आंसर किया, अमित का आंसर बी है, अंकुल बी कह रहे, सभी का आंसर बी है, महेंद्र बी कह रहे, कविता बी, दिनेश बी, इसीलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, देखते और भी कोई से काउंटर करना चाहता है। डिसीज देखिए गाइस, एंथ्रैक्स पूछा गया है यहाँ पर, आपको वो चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंथ्रैक्स डिसीज किस इंडस्ट्री के वर्कर्स को बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रैक्स किससे रिलेटेड है। सही आंसर यहाँ पर फाइबर है, तो अगर किसी ने सी आंसर किया, आई डोंट थिंक किसी ने किया है, सही आंसर फाइबर इंडस्ट्री है, आंसर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो वूल जो होता है उसमें वो जो फाइबर है वो एनिमल्स से रिलेटेड है, जिस तरीके से हम जानते हैं,
और उस फाइबर के वजह से होता है, कई बार वो सॉर्टिंग जो किया जाता है बाय द लेबर, उसके वजह से एंथ्रेक्स डिसीज होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखने है। अब आपको आंसर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली, विच इंडस्ट्री लेबर आर मोस्ट प्रोन टू साइटोसिलिकोसिस डिसीज। अब इसका आंसर बताइए। या शिवाली, फाइबर इज करेक्ट, क्योंकि एंथ्रेक्स एनिमल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस वजह से फाइबर इंडस्ट्री जो कि नेचुरल फाइबर्स है उनके वजह से, उनमें जो लेबर है उनको एंथ्रेक्स डिसीज होता है। साइटोसिलिकोसिस, हमेशा आपको डिसीज क्या पूछा गया है वो देखना है, इसको आंसर करने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइटोसिलिकोसिस डिसीज किस इंडस्ट्री के लेबर को होता है? इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, डेयरी या सीमेंट? ठीक है, फटाफट से इसको आंसर करिए। अनुराधा का आंसर आ गया है। अमित कहाँ हो आप? अनुराधा डी कह रहे हैं, महेंद्र डी, ओके, कविता डी, अमित नो प्रॉब्लम, जो भी आपका आंसर है सीधा दीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर डी है, सीमेंट इज करेक्ट। साइटोसिलिकोसिस, सिलिकोसिस यानी कि सिलिका, और जहां पर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स लंग्स में चले जाते हैं, उसकी वजह से डिसीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर एंथ्रेक्स डिसीज जो सॉर्टर्स डिसीज इसे कहा जाता है, कई बार सॉर्टर्स जॉब जो होता है वूल इंडस्ट्री में, सॉर्टिंग जो की जाती है अलग अलग वेराइटी की वूल को, उसकी वजह से कई बार हो जाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, टू स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा इसको, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर करना है। स्टेटमेंट वन में क्या पूछा गया है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो होता है उस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जो भी आपको सही लगता है यहाँ पर आपको आंसर करना है। ओके, ए एंड बी, दिनेश ए कह रहे हैं, अंकुल बी कह रहे हैं, प्लीज थोड़ा क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करिएगा ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जो प्रीवियस ईयर वाला था वो सीमेंट था, यहाँ पर आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है। राइट, अमित का आंसर आ गया, अमित फाइव का आंसर डी कह रहे हैं, देखते और भी कोई इसको काउंटर कर रहा है। स्टेटमेंट वन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, क्या ये सही है? सेकंड स्टेटमेंट, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, दोनों सही है तो ए करेंगे, दोनों गलत लग रहा है तो बी करेंगे। अगर आपको पहला सही दूसरा गलत लग रहा है तो सी करेंगे, पहला गलत और दूसरा सही लग रहा है तो आप डी करेंगे। तो फिफ्थ के आंसर्स आ गए हैं, अमित ने सबसे पहला आंसर किया, महेंद्र ए, दिनेश ए कह रहे हैं, अनुराधा का आंसर डी है, महेंद्र ए कह रहे हैं, राइट, शिवाली डी, ओके, कविता का आंसर बी है, दिनेश ए कह रहे हैं, ओके, यहाँ पर सही आंसर डी है गाइस, जिसने भी डी आंसर किया है वो सही है। एंड आई थिंक अमित ने सबसे पहले आंसर करा है, आपका पॉइंट है अमित यहाँ पर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जब होते हैं उस हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन नहीं कहते। ठीक है, और यहाँ ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, ये चीज सही है, जो भी बॉडी को हम हीट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, रेडिएशंस उसमें से हीट रेडिएशंस निकलते हैं, यानी कि ये सही नहीं है, ये सही है, और इस वजह से हमारा आंसर डी है, वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज काफी अच्छे से एनसीईआरटी में दी गई है, कंडक्शन उसे कहा जाता है और मोस्टली ये जो है सॉलिड्स में होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑल हॉट बॉडीज, किसी भी हॉट बॉडी में से हीट रेडिएट होता है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पता होना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गलत नहीं जाना चाहिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। या महेंद्र, ये आपको जो है पता होना चाहिए, राइट, तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में हमारी दी हुई हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि प्रीवियस ईयर्स वाले ट्रेंड पर हम जाएं, साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट जो हम मिस कर जाते हैं, जो हमसे गलत होते हैं वो लेकर आए, ताकि यहाँ हम गलत करें, एग्जाम में, असली एग्जाम में हम गलत ना करें। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत कंफ्यूजन कई लोगों को यहाँ पर, दो ऑप्शन से रिलेटेड होगा, आई गेस तीन भी हो सकता है, तो ट्राई करिए इसको आंसर करने का। सिक्स का आंसर इस बार सबसे पहले अनुराधा ने किया है, इनका आंसर है बी, देखते हैं ये सही है या नहीं। अमित बी कह रहे, शिवाली टेम्परेचर, महेंद्र का आंसर बी है, अंकुल का आंसर बी है, एग्जैक्टली राइट गाइस, आप सब सही हैं। एंड इस बार बाजी
अनुराधा ने मार ली है, तो यहाँ सही आंसर बी टेम्परेचर है, इट इज नॉट हीट, और हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इन टर्म्स से, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना गर्म कोई ऑब्जेक्ट है कितना ठंडा है वो हमें टेम्परेचर से पता चलता है, ना कि हीट, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट आप देखोगे सही आंसर इज टेम्परेचर, ठीक है। इसे कैसे मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर कई बार मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनटी में हमने कई बार देखा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है। यहाँ पर विनेगर को मैच किया गया है एसेटिक एसिड के साथ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कॉमन सब्सटेंसेस है ये सारे, सबसे इजी और कॉमन सब्सटेंसेस आपके सामने लेकर आया हूं, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। कर्ड जो है लैक्टिक एसिड से मैच किया गया है, सोप सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रस फ्रूट्स फॉर्मिक एसिड, कौन सा यहां पर सही मैच नहीं किया गया वो पूछा गया है। गुड कविता, आपने बी आंसर किया प्रीवियस क्वेश्चन का, दैट इज करेक्ट, ठीक है। अमित का सबसे पहला आंसर आ गया है डी, शिवाली डी कह रहे हैं, अनुराधा डी कह रहे हैं, महेंद्र डी, अंकल और कविता का भी डी है, आप सभी सही हो यहां पर, डी सिट्रस फ्रूट्स फॉर्मिक एसिड के साथ गलत मैच किया गया है। सिट्रस फ्रूट्स क्यों लेकर आया हूं वो भी बताता हूं मैं आपको। अमित ने फिर से बाजी मारी है, रियली गुड अमित, आपका पॉइंट यहां पर रहा। विनेगर का जो केमिकल नेम अगर हम देखें तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, सोप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहाँ पर आपको सारी पूरी लिस्ट आप एनसीईआरटी में देखोगे जहां सिट्रस फ्रूट्स दो तरह के एसिड से मैच किया गया है, एक तो सिट्रिक एसिड ये हम जानते हैं, दूसरा हमें ये भी नहीं भूलना है कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी भी आप देखोगे सिट्रस फ्रूट्स में, ये भी हमें नहीं भूलना है, तो एस्कॉर्बिक एसिड भी आएगा, तो दैट इज करेक्ट। बाकी सब का लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, एनसीईआरटी में भी है, आप आराम से इसे जो है आपको ये तो आने ही चाहिए, आपको याद रखने ही है। एट क्वेश्चन आपके सामने है, या एट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर फिनोफ्थलिन जो है एक इंडिकेटर है और इसका एग्जाम्पल कई सारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है क्या कलर होता है फिनोफ्थलिन का, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जो कि नीदर एसिडिक नॉर बेसिक होता है, क्या ये पिंक है, ग्रीन है, येलो है, कलरलेस है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए और आंसर करने की कोशिश करिए। राइट महेंद्र, सिट्रस लेमन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सिट्रस जो है लेमन, डी कह रहे महेंद्र, या प्रीवियस क्वेश्चन का डी था। अमित का सबसे पहला आंसर आया है सी, अनुराधा आपका भी आंसर एक्सपेक्ट करता है यहाँ पर जल्दी से, राइट, अनुराधा ने भी आंसर कर दिया, तो कविता का आंसर ए है, दिनेश डी कह रहे हैं, शिवाली पिंक कह रहे हैं, अनुराधा सी कह रहे हैं, ओके। तो फिनोफ्थलिन सॉल्यूशन आपको दो कलर्स में देखने को मिलेगा, पहला तो है पिंक और दूसरा है कलरलेस, अगर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में है तब आपको ये देखने को मिलेगा इन कलरलेस, यानी कि नेचुरली फिनोफ्थलिन कलरलेस होता है, और ये जो है अगर हम एसिड या बेस में डालेंगे तो इसका कलर चेंज होता है, राइट गाइस, तो एसिड में ये कलरलेस रिमेन रहता है, बेस में ये पिंक कलर का हो जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें आप इसे देखोगे कि ये कलरलेस है, एंड यहाँ पर सही आंसर डी है, ओके, किसने, दिनेश ने डी सही आंसर किया है, दैट इज रियली गुड। प्रीवियस ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, अब आंसर करना, लिटमस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिटमस पर यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, तो ये पूछा गया है नीदर एसिडिक नॉर बेसिक होगा तो लिटमस का कलर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर चाहिए, लिटमस तो आपको पता होना ही चाहिए, राइट, ऑप्शंस में दिए हुए हैं रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फटाफट से इसको आंसर करिए। यस अमित, या शिवाली का आंसर आया है, शिवाली पर्पल कह रहे हैं यहाँ पर, पर्पल विच इज लिटमस, ये पर्पल कलर में होता है, और साथ में अगर आप एसिड यानी कि डेंजर उसमें डालोगे तो वो रेड कलर में आता है,
जब आप बेस में इसे लोगे तो वो ब्लू कलर का आता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। एसिड रेड कैसे याद रहेगा? एसिड यानी डेंजर, ठीक है, इस तरह से हमें याद रहेगा। और इसका सही आंसर पर्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में दिया गया है। और ये जो है कलरलेस होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन, राइट गाइस। तो इस वजह से हमारा आंसर वहां पर डी था, राइट। तो सबसे पहले आई थिंक रोहित ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियसली देख चुके हैं, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ना है आपको। पहला स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है, केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। पूछा क्या गया है? पूछा गया है नॉट करेक्ट, ठीक है। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, इस तरीके से फर्स्ट ए स्टेटमेंट में दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स। सी में दिया हुआ है डिस्कलरेशन ऑफ एक्सपोज्ड फूड सब्सटेंसेस, कट पोटैटो, जब हम पोटैटो को कट करके, आलू जो है कट करके रख देते हैं, उसके बाद वो ब्राउन कलर में हो जाता है। ये एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। देन गैल्वनाइजेशन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, ट्राई करिए आंसर करना। इवन इफ यू डोंट नो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, राइट गाइस। अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा, राइट। नाइन्थ के आंसर्स आने लगे। महेंद्र बी कह रहे हैं, अमित का आंसर सी है, अनुराधा सी कह रहे हैं। देखते हैं और भी कोई इन्हें काउंटर करना चाहता है। और इस क्वेश्चन का पॉइंट किसको जाता है? यहाँ पर स्टेटमेंट्स है केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। परमानेंटली जब कोई चीज चेंज होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी चेंज होती है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। स्टेनलेस स्टील किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? आयरन में कार्बन एंड फ्यू मेटल्स मिक्स किए जाते हैं। आपको उन मेटल्स के नाम भी पता होना चाहिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कलरेशन फूड सब्सटेंसेस का, पोटैटो को आप कट करते हो ब्राउन कलर हो जाता है, क्या वो रिवर्स किया जा सकता है? क्या ये एक परमानेंट चेंज है? यस। तो इस वजह से फिजिकल चेंज इज नॉट करेक्ट, ठीक है, केमिकल चेंज आना चाहिए यहाँ पर। और नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट करने के लिए गैल्वनाइजेशन यूज किया जाता है। किसका यहाँ पर पॉइंट बनता है? अमित का पॉइंट बनता है। रियली गुड अमित, अमित एंड अनुराधा आपने काफी अच्छा किया, बाकी ने भी बहुत अच्छा किया, आपने काफी अच्छी तरीके से आंसर किया है, लाइक कविता, रोहित, दिनेश, महेंद्र अंकल, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और नाइन्थ क्वेश्चन का अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और यहाँ कुछ जो रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, लाइक मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है व्हाइट कलर डस्ट वो जो है रिमेन होता है। इस व्हाइट कलर ऐश या डस्ट को हम वाटर में डालेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कॉपर सल्फेट नॉर्मली ब्लू कलर में जो होता है, उसमें आप आयरन डालोगे तो आयरन सल्फेट ग्रीन कलर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और वो आयरन पीस जो है उस पर कॉपर का डिपॉजिट आपको मिलेगा जो कि ब्राउन कलर का डिपॉजिट है। साथ ही साथ विनेगर और बेकिंग सोडा वाला जो रिएक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो डिसकलरेशन जो है वो एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, और केमिकल चेंज से रिलेटेड बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पॉइंट जो उसमें दिए हुए वो हमने यहाँ पर देख रहे हैं। और स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, उसमें मेटल्स क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, ये सब यूज किया जाता है। और नायब तहसीलदार के लिए आपके लिए हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो नायब तहसीलदार एग्जाम के हिसाब से एंड क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है क्वालिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, आप अच्छे से अपनी तैयारी को गेज कर सको। 499 का सिर्फ ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मिल रहा है। और इसके साथ में अगर आपको कोई भी और डाउट हो और आप इस टेस्ट सीरीज का अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in। जाना मत, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पर। ये होमवर्क क्वेश्चन आपको आंसर करना है, और ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, यहाँ पर नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अपर मोस्ट हॉरिजॉन ऑफ सॉइल इज जनरली लाइट इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है बी हॉरिजॉन लेयर ऑफ सॉइल हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स,
ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वीडियो को आप बाद में जो है पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। हाय सिमरन, गुड मॉर्निंग, आप जो है थिंक अभी आए हो, तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अच्छे से दिया हुआ है। एंड इसके साथ साथ हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, कोई भी और आपको डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू। जय हिंद।